नारायण गुप्ता, प्रधान नाट्य समाज बलिया, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर। यहाँ हम लोग आर्ट समाज में बैठे हुए हैं। यह निर्णय विगत माह में लिया गया कि समाज में बहुत ही नशा, दुर्व्यसन और अंधविश्वास, विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ समाज नवयुवकों में फैलाई जा रही हैं। नवयुवकों को चरित्र निर्माण करने के लिए हर समाज ने वर्ग चलाने का फैसला लिया है। एक सप्ताह का यह आवासीय वर्ग होगा जो सरस्वती शिशु मंदिर जिला बस्ती बलिया में लगाया जा रहा है। इसमें 13 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चों को धार्मिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह से विकास करने के लिए शिक्षक आ रहे हैं और इसमें अच्छे ढंग से सभी गणमान्य व्यक्ति बलिया के सहयोग और लगे हुए हैं। इसके मैं आचार्य ज्ञान प्रकाश वैदिक, जिला आर्य प्रतिनिधि सभा बलिया के प्रधान, विगत 17 तारीख से 24 तारीख तक वैदिक युवा चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन कमिश्नरी स्तर पर किया गया है, जिसमें लगभग 100 बच्चों के भाग लेने की संभावना है। स्थान रखा गया है नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर जीरा बस्ती, उसी के परिसर में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के अच्छे अच्छे प्रशिक्षक आ रहे हैं, जो बच्चों को शारीरिक प्रशिक्षण, बौद्धिक प्रशिक्षण, आत्मिक प्रशिक्षण, व्यवहारिक प्रशिक्षण, प्रतिभा विकास के संबंध में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए तरह तरह के उपाय बताएंगे, जिनमें बच्चों को अपनी संस्कृति, संस्कार, धर्म, इतिहास, वैदिक परंपराओं का बोध के साथ साथ शरीर स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है तथा बच्चों को आत्मरक्षा कैसे करना है, ये भी बातें सिखाई जाएंगी। अनुशासन का भी भली भांति प्रकार से बोध कराया जाएगा। तो ये शिविर के अंदर जो बच्चों को सिखाए जाने वाली जो प्रशिक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार की हैं। और 24 तारीख को विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। 23 तारीख का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है वो कार्यक्रम ये है कि 3:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक शौर्य प्रदर्शन एवं शोभा यात्रा उन आर्य वीरों का, नौजवानों का, आर्य समाज मंदिर से होते हुए स्टेशन रोड होते हुए शहीदी जो है सेनानी चौक होते हुए ये शोभा यात्रा का मार्ग प्रशस्त है। ऐसे होते हुए शोभा यात्रा विजय सिनेमा हॉल होते हुए वापस आर्य समाज में आएगा और इस शोभा यात्रा में बच्चों का शौर्य प्रदर्शन होगा तथा इस शौर्य प्रदर्शन के साथ 24 तारीख का कार्यक्रम इस प्रकार का रखा है कि समापन सत्र रहेगा। लगभग 4 बजे से 6 बजे तक बच्चों का कार्यक्रम का समापन का सत्र होगा। बच्चे जो सीखे हैं उनका पुरस्कार दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा, मुख्य अतिथियों का भी आगमन होगा, उनके हाथों से बच्चों का प्रोत्साहन मिलेगा। अन्य लोगों से अनुरोध है, शहर के सभी गणमान्य महानुभावों से, समाज सेवियों से, अन्य अन्य संगठनों के जो पदाधिकारी हैं तथा जो सनातन धर्म और संस्कृति के अनुरागी जन हैं, उन सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि यह कार्यक्रम आपका है, आप कार्यक्रम दोनों कार्यक्रमों में शोभा बढ़ाएं और बच्चों का उत्साह वर्धन करें और कार्यक्रम में अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। देखिए अर्थ का अनर्थ क्या हो गया। अर्थ का अनर्थ ये हो गया, सब है अग्नि। दूसरा